आदाब जी सलाम, डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। आज हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। अब आप घर बैठे सीधे व्हाट्सएप से अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ वक्त पहले डिजी लॉकर सर्विस लॉन्च की थी। डिजी लॉकर बुनियादी जारी करदाओं से डिजिटल फॉर्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट जैसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स तक एक्सेस दस्तयाब करती है। आधार होल्डर्स के लिए भी एक डेडिकेटेड डिजी लॉकर वेबसाइट और ऐप है। इसकी सर्विसेज व्हाट्सएप पर भी फराहम है। लोग माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क व्हाट्सएप चैट बॉट के जरिए डिजी लॉकर से आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। माई गव हेल्प डेस्क चैट बॉट के इस्तेमाल से आप कुछ सिंपल स्टेप्स में अपने किसी भी ऑफिशियल दस्तावेज को आसानी से डाउनलोड और एक्सेस कर सकते हैं। इन दस्तावेजात में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट और बहुत कुछ शामिल है। आइए जानते हैं व्हाट्सएप के जरिए आधार, पैन कार्ड वगैरह कैसे डाउनलोड करें। सबसे पहले अपने फोन में माई गव हेल्प डेस्क कॉन्टेक्ट नंबर के तौर पर 9013151515 सेव करें। आप व्हाट्सएप ओपन करें और अपनी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट लिस्ट रिफ्रेश करें। फिर माई गव हेल्प डेस्क चैट बॉट सर्च करें और ओपन करें। अब माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क चैट टाइप नमस्ते या हाई करें। फिर चैटबॉट आपको डिजी लॉकर या कोविन सर्विस के बीच सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। यहाँ डिजी लॉकर सर्विसेज सिलेक्ट करें। अब चैटबॉट पूछेगा क्या आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है, तो यहाँ यस पर टैप करें। अगर आपके पास नहीं है तो ऑफिशियल वेबसाइट या डिजी लॉकर ऐप पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं। चैटबॉट अब आपके डिजी लॉकर अकाउंट को लिंक और ऑथेंटिक करने के लिए आपका 12 डिजिट्स का आधार नंबर मांगेगा। लिहाजा अपना आधार नंबर दर्ज करें और भेज दें। इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP हासिल होगा। इसे चैटबॉट में दर्ज करें। उसके बाद चैटबॉट लिस्ट आपको आपके डिजी लॉकर अकाउंट से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाएगी। अब जिस नंबर के साथ आपका डॉक्यूमेंट लिस्टेड है डाउनलोड करने के लिए उसे टाइप करें और सेंड करें। आखिर में आपका डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में चैटबॉक्स में डाउनलोड के साथ दस्तयाब हो जाएगा। डाउनलोड के लिए याद रहे कि आप एक वक्त में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिर्फ डिजी लॉकर की जानिब से जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स को ही डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका जरूरी डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया जाता है तो आप उन्हें डिजी लॉकर साइट या ऐप पर हासिल कर सकते हैं। एक बार इशू होने के बाद आप इसे किसी भी वक्त व्हाट्सएप चैटबॉट का इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम अहम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें जी सलाम डिजिटल के साथ।